दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और अच्छी सी वीडियो में। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बहुत ही यूनिक वीडियो है, यूट्यूब पे भी ये वीडियो नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। मैंने बहुत सर्च की, मुझे नहीं मिली, बट इस गाड़ी के अंदर आ रही है एक प्रॉब्लम। होता क्या है, गाड़ी की जब हम क्रैंकिंग करते हैं बहुत लंबा सेल्फ लेके गाड़ी स्टार्ट हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा क्रैंकिंग लेके। तो जब लंबा क्रैंकिंग लेती है गाड़ी, तो उस सिचुएशन में लोगों के माइंड में आता है कि हो सकता है CKP सेंसर ख़राब हो, ठीक है, या फिर क्रैंक सेंसर ख़राब हो, या फिर डीजल लेट आ रहा हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, एंड दूसरा इस चीज़ को ठीक भी करेंगे कि लॉन्ग सेल्फ की जो प्रॉब्लम है वो क्यों आ रही है और किस वजह से आ रही है, वो चीज़ भी मैं दिखाऊंगा। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं क्रैंकिंग करके एक बार। ये देखो, एक बार बंद करके दोबारा मारो, बंद करो, एक बार और फिर से बंद करो, बस बंद कर दो। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, लॉन्ग सेल्फ की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मतलब लॉन्ग क्रैंकिंग लेके गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं सिस्टम और लगा के दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है, एंड मैंने क्या फाइंड आउट किया है और कैसे गाड़ी ठीक होगी, वो इस वीडियो में आज मैं पूरा दिखाने वाला हूँ। क्या पार्ट रिप्लेस होगा वो भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों, सिस्टम इसमें मैंने लगा लिया है, अभी देखिए रेल प्रेशर का दिखा रहा है, रेगुलेशन फंक्शन का दिखा रहा है, एंड इंजेक्टर प्रोग्रामिंग साइकिल नोट परफॉर्म, ठीक है, एंड मेन रिले कंट्रोल सर्किट, ठीक है। ये तो दो तो पास्ट में, पर इंजेक्टर का दिखा रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैंने भी किया था कि मैंने इंजेक्टर की रीप्रोग्रामिंग की, मतलब वो होता है ना इंजेक्टर कोडिंग, वो करी, फिर भी गाड़ी ठीक नहीं हुई। रेल प्रेशर सेंसर भी चेक कर लिया, मैं आपके दिखाता हूँ रेल प्रेशर सेंसर कहाँ है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट, एंड उसके बाद चलते हैं। एंड इस गाड़ी में ये ABS की लाइट भी आ रही है, ठीक है। तो लाइट जो है फ्रेंड्स, लाइट आ रही है इसके अंदर ABS की, वो आ रही है रियर लेफ्ट हैंड साइड का जो व्हील स्पीड सेंसर है ना, मतलब ABS सेंसर जो है वो उसकी है, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ ABS में जाके कोड दिखा देगा, ये देखिए रियर लेफ्ट हैंड साइड व्हील स्पीड सेंसर सिग्नल, यानी इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का रियर लेफ्ट हैंड साइड का व्हील स्पीड सेंसर है, मतलब ABS सेंसर है, वो ख़राब है, वो रिप्लेस होगा, बट कस्टमर ने मना कर दिया। अभी हम इस लॉन्ग क्रैंकिंग की जो प्रॉब्लम है उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, तो दोस्तों ये इसका रेल प्रेशर सेंसर होता है, ये भी बिल्कुल ओके है, ये खोल के मैंने अच्छे से कल चेक कर लिया था, प्रॉपर है, ठीक है। ये इसका पंप होता है, ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। इंजेक्टरों की मैंने ब्लीडिंग भी कर दिया था, वो भी सही है, बट अब इसमें प्रॉब्लम है पीछे, मतलब जो अपना फ्यूल सेंडर होता है ना, जो फ्यूल पंप टैंक के अंदर रहता है, उसमें प्रॉब्लम है, वो मैं दिखाता हूँ आपको, खोल लेता हूँ उसको। तो अभी हम आ गए हैं पीछे, सीट मैंने इसकी निकाल दी है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी सीट निकालने के बाद इसके अंदर जो रहता है ना, इसको कवर को आप निकालेंगे तो ये जो फ्यूल पंप वो है इसका गेज जो है, जो क्लस्टर मीटर के अंदर बताता है, इसको हमें खोल लेना है। खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फॉल्ट किस जगह पे एक्चुअली, एंड ये पार्ट रिप्लेस होगा। इसके लिए मैं ले आया हूँ नया पार्ट, एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ फॉल्ट इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इसको खोलने के लिए ये 6 बोल्ट हमें खोलने पड़ेंगे, 1-2 इसमें 6 बोल्ट लगे रहते हैं, ठीक है, एंड ये इसमें 30 mm की बीड़ लगेगी, ठीक है ना, तो T30 करके है ये, एंड आपको पहले ये कनेक्टर निकाल लेने हैं सारे, ठीक है। तो ये कनेक्टर निकाल लेना है, ठीक है, एंड ये 2 पाइप ऐसे ही निकलेंगे, यहाँ ध्यान रखना है ये वाला जिसमें लग रहा है, जो सा जिसके अंदर लग रहा है वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड इसके बाद 30 की T से ये सारे बोल्ट खोल लेने हैं, निकाल लेता हूँ पहले पंप को, फिर दिखाता हूँ आपको, मतलब ये गेज जो है इसका, पंप नहीं है ये गेज है, FI पंप लगा रहता है आगे, जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये निकालना बड़े ध्यान से है, क्योंकि इसके अंदर ना डीजल भरा रहता है, ठीक है, पहले ये बाहर आएगा इससे, एंड इसके बाद जो गेज है, गेज को भी बड़े ध्यान से निकालना है, और सारा डीजल इसके अंदर ही डाल लेना है, क्योंकि डीजल बाहर बिखरेगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। एंड मेन फॉल्ट मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पर इसमें आ रहा है,
ठीक है, एंड वो इंजेक्टर का जो कोड आ रहा है, इंजेक्टर नोट परफॉर्म प्रॉपरली करके, वो क्यों आ रहा है उसका भी रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी जो है ये बस बाबू बस दे दिला, तो ये देखिए इसमें आप ध्यान से देखो, पकड़िए एक मिनट, ऐसे ही पकड़ लें, यहाँ देख रहे हो आप, ये यहाँ से क्रैक हो गया एंड ये दोनों तरफ से क्रैक हो चुका है, इस तरफ से भी क्रैक हो गया है। तो ये क्या है, इसके अंदर से ना डीजल चलता है, ठीक है। जैसे ही पंप खींचेगा, जैसे ही पंप डीजल को खींचेगा ना, तो इन दोनों पाइपों से एक रिटर्न है एक मेन है, ठीक है। तो मेन वाला ज़्यादा क्रैक है, ये वाला है देखिए, तो यहाँ से जो ना पूरा प्रेशर के साथ डीजल इंजन तक पहुँच नहीं पाता, इंजेक्टरों तक, और इंजेक्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, इसी वजह से वो कोड इंजेक्टरों का बार बार इसमें शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर डीजल वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा, एयर आ रही थी सिस्टम में, इसी वजह से गाड़ी लेट स्टार्ट हो रही थी, डीजल पहुँच तो रहा था पर बहुत कम, ठीक है, बहुत टाइम बाद डीजल पूरा पहुँचता था, उसी वजह से लेट स्टार्ट होती थी। अभी क्या करेंगे, इसको कर देते हैं रिप्लेस एंड इसके बाद करेंगे गाड़ी को स्टार्ट, ठीक है। तो इस गाड़ी के अंदर मुझे ये फॉल्टी लगा है, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ रखा है आगे, ठीक है। एंड अभी नए पे मैं आपको दिखाता हूँ ये क्रैक्स हैं कि नहीं है फ्रेंड्स। तो नया वाला जो है, नया वाला ये है फ्रेंड्स, एंड ये मॉडिफाइड पार्ट है, ठीक है। टनैनो में कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, आप चेंज करने वाले हों और आपको लगे कि यार ये तो इसके जैसा है ही नहीं, सेम नहीं है, ये देखिए इसमें दोनों में स्प्रिंग लगी हुई है एंड इस पे एक पे है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं पर भी क्रैक्स नहीं है इसके अंदर, एंड ये इसी वजह से रिप्लेस किया है, बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाते थे बार बार, क्योंकि यहाँ जॉइंट रहता है इसमें, देख रहे हो नीचे जॉइंट, अब इसमें कहीं पर भी जॉइंट नहीं है, ठीक है। इसी वजह से इसको रिप्लेस करके यानी मॉडिफाई करके लगाया है। अभी इसको हम वापस से लगा देते हैं नए पंप को, मतलब गेज को, एंड लगा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फोल्ट को ओके करते हैं, ठीक है। तो इसको पैक कर देता हूँ मैं कंप्लीट, लगा के ओके कर देता हूँ, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये मेन वाला होता है रिटर्न के लिए पाइप, ठीक है। एंड ये देखिए ग्रीन के सामने ग्रीन है, एंड ये रिटर्न के लिए होता है, मतलब डीजल वापस जो आता है। कनेक्टर लग चुका है, सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है। अभी इसको रख देते हैं एंड अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट सीधा। तो दोस्तों अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले ना दो तीन बार इग्निशन ऑन करना चाहिए, ठीक है। इग्निशन ऑन इसलिए कि जो डीजल है ना पूरा प्रॉपर आगे तक पहुंच जाएगा, उसमें क्या होगा ज़्यादा क्रैंकिंग नहीं होगी गाड़ी में एंड सेल्फ हेल्प पे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो चार पांच बार मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है, एंड एक चीज़ और कर लेनी है आपको, जो अच्छे तरीके से पहुंच जाए डीजल, इसको भी पूरा टाइट करना है, पूरा दबा के, जब तक ये टाइट ना हो जाए तब तक इसको दबाते रहना है, ठीक है। एक टाइम पे बहुत हार्ड हो जाएगा, जैसे अब हो गया, अब ताकत लगानी पड़ रही है मुझे, ठीक है। तो अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, ठीक है, एंड चेक करते हैं एक दो बार बढ़िया से क्रैंकिंग करके। अब ये पूरा टाइट हो चुका है, अब नहीं दबेगा ये पूरा, ठीक है ना। अब करते हैं स्टार्ट गाड़ी, चलो करो स्टार्ट। ये देखिए पहले ही सेल्फ में स्टार्ट हो रही है, मतलब पहले की तरह लॉन्ग क्रैंकिंग नहीं ले रही। एक दो बार और करो, बंद करो, चलो एक बार और कर दो, बात छोड़ दो, बंद मत करना। तो दोस्तों ये थी इसके अंदर प्रॉब्लम, इसका जो गेज है, ये इसका गेज ख़राब हो गया था, ठीक है। यहाँ से देखिए ये क्रैक हो गया था ना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, प्रॉपर डीजल आगे तक नहीं आ पा रहा था यहाँ तक, ठीक है। ये बार बार क्या हो रहा था, ये लूज़ हो जा रहा था, हार्ड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एंड गाड़ी एयर ले रही थी, एयर लेने की वजह से लॉन्ग क्रैंकिंग हो रही थी गाड़ी में, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो गया, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। आपकी गाड़ी में चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, इस तरह की प्रॉब्लम आए तो एक बार ये भी चेक कर लेना आप कि ये तो क्रैक नहीं हो गया, गाड़ी कहीं से एयर तो नहीं ले रही है, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।